लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। महारथी 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 कर्ण। पांसा सीधा पड़ गया भांजे, पांसा सीधा पड़ गया। और जब पांसा सीधा पड़ जाता है ना भांजे, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। हाँ। आप इस आनंद में ही डूबे रहेंगे या इन पांसों से बाहर निकलकर मेरे बारे में भी सोचेंगे मामच। ये तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन? मैं यहाँ गांधार की राजगद्दी छोड़कर चौसर खेलने नहीं आया हूँ। अभी तू अपने प्रिय भांजे को उसकी राजगद्दी को निभाने आया? बहुत दिन मामा श्री, बहुत दिन। कब आएगा? मेरा हृदय तो कब से बेचैन है प्रिय भांजे, कि मैं तुम्हारे माथे पर हस्तिनापुर का राज मुकुट चमकता हुआ देखूं, और मैं देख भी लेता। और तुम अपनी मृत्यु के साथ साथ मैं तुम्हारे राज अभिषेक का सुखद आनंद भी ले लेता। परंतु क्या? अब तो हमारे सबसे बड़े शत्रु पांडव वो भी नहीं रहे, तो एक ही परंतु कहां से आ गया बताइए मुझे। हां जी, ये तुम्हारे भ्राता गण मरने के पश्चात भी हमारे पीछे प्रेत आत्मा की तरह लगे हुए। तुमने सुना नहीं कि एक वर्ष तक सबके सब शोक मनाएंगे, कोई राज्य अभिषेक नहीं होगा? हाँ मामाश्री, मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज चित्राज का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन हूँ। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर केवल और केवल मेरा अधिकार है और किसी का नहीं। और हस्तिनापुर का राज सिंहासन मुझे शीघ्र अति शीघ्र चाहिए। अवश्य मिलेगा भांजे, अवश्य मिलेगा। इस शोक समाचार के साथ साथ एक शुभ समाचार भी तो है। शुभ समाचार? हाँ भांजे, तुमने सुना नहीं, गंगा पुत्र भीष, द्रोणाचार्य और कुलगुरु कृपाचार्य, ये सारे के सारे हस्तिनापुर और उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा ले चुके हैं। और यदि ये लोग प्रतिज्ञा ले चुके हैं तो ये तुम्हारे लिए शुभ समाचार होगा। परंतु मामाश्री, एक कांटा और है प्रिय भांज। कांटा? कौन सा कांटा मामाश्री? वही पांडवों का हृदय श्री कृष्ण। इसे अपने रास्ते से कैसे बताऊं भांजे, कैसे? नहीं नहीं मामाश्री, नहीं, मैं कृष्ण को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता। इसके दो कारण हैं मामा जी। कारण? हाँ मामा जी, पहला कारण यह है कि कृष्ण बहुत बुद्धिमान है। मुझे भय है कि हमारे षड्यंत्र की बात मेरी आंखों में। दूसरा कारण ये मामा जी कि पांडवों की मृत्यु से कृष्ण बहुत दुखी है। दुख तो पहुंचेगा ही भांजे, बुआ के पुत्रों की मृत्यु का समाचार जो ठहरा उसे दुख तो होगा ही, और भाई को भाई की मृत्यु का सुनकर दुख नहीं होगा तो किसे होगा? तुम्हें दुख नहीं है भांजे? क्यों, किस सोच में पड़ गए? मैं कृष्ण के विषय में सोच रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भांजे, यदि तुम कहो तो 1,00,000 शक्रे और बनवा। नहीं 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 मामाश्री, मैं कृष्ण को अपने प्रति स्नेह के साथ रखना चाहता हूं, क्योंकि कृष्ण मेरे गुरुदेव बलराम का छोटा भाई है, और कहीं कृष्ण की अप्रसन्नता गुरुदेव को भी। बलराम तो तुम्हारे साथ है ना? तो बस भूल जाओ। कृष्ण को मनाने का उपाय मैं तुम्हें समझाता हूँ भांजी। कल प्रातः कृष्ण पुत्र के घर शोक प्रकट करने जा रहा है, काका श्री के घर। हाँ, अपने काका श्री के घर को तुम अपना घर बना लो, यही उचित होगा। और जाकर कृष्ण को तुम और फिर जीत लो उसके मन को। केशव, तो वर्णावत कांड पांडवों को समाप्त कर देने का षड्यंत्र था। महात्मा विदुर,
आपने उन्हें बचाकर एक कुशल कूटनीतिज्ञ होने का प्रमाण दिया है। आपको बुलाने का मुख्य कारण यही था केशव, ये बात बताकर अब मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। केशव, आपकी निष्ठा निसंदेह प्रशंसा योग्य है। महात्मा विदुर, आने वाला युग आपको एक कर्तव्यनिष्ठ महामंत्री के रूप में स्मरण करेगा। पांडवों के प्रति आपके पास जो योजना है उसे केवल अपने तक ही रखिएगा, क्योंकि यह पांडवों के लिए भी अच्छा है और हस्तिनापुर के लिए भी उत्तम है। राजनीति भी यही कहती है वासुदेव। प्रणाम केशव। प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव। बैठो पुत्र, यहां अकस्मात तुम्हारे आने का कारण एक ही हो सकता है पुत्र, संभवतः तुम द्वारका नरेश श्री कृष्ण से मिलने आए हो। नहीं काकाश्री, नहीं, मैं तो केशव को निमंत्रण देने आया। निमंत्रण? केशव, क्या मेरा आप पर इतना भी अधिकार नहीं है? अधिकार है दुर्योधन, पूर्ण अधिकार है, परंतु मैं क्षमा चाहता हूं, इस बार नहीं अगली बार अवश्य। अब कुंती बू और उनके पुत्र तो रहेंगे, सौजनों में तुम ही लोग तो पुत्र। केशव, ये तो आपका स्नेह है, केवल स्नेह। विधि के विधान को भला कौन टाल पाया है केशव? निश्चित ही प्रातः पांडवों के भाग्य में हस्तिनापुर का राजपाट नहीं लिखा था, अन्यथा वे लोग इस दुर्घटना में नहीं मारे जाते। मेरा ठीक कहा केशव? दुर्घटनाओं पर किसका वश होता है, उसे ना तो तुम टाल सकते और ना। मैं सत्यसेन को आपके साथ भेजता हूं केशव। सत्यसेन जी महामंत्री जी, द्वारकाधीश को द्वारका पहुंचा दो। जो आज्ञा। आइए द्वारकाधीश। प्रशंसा कर रहे हैं? ना 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 ना, नारायण नारायण, मैं व्यर्थ ही प्रशंसा नहीं कर रहा हूं देवेंद्र, अपितु आपको एक कटु सत्य से अवगत करा रहा हूं। कर्ण की वीरता पर किसी को भी संदेह नहीं है, कवच कुंडल धारी योद्धा है वो, सूर्य का अंश है। मेरा अंश अर्जुन भी कोई साधारण योद्धा नहीं है देवर्षि, सर्वशक्तिशाली है वो, सूर्य अंश कर्ण से किसी अर्थ में कम नहीं है। नारायण नारायण, शत्रु चाहे जो भी हो उसे कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए देवेंद्र, और अब तो वो परशुराम से शिक्षा ग्रहण कर निसंदेह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाएगा। नारायण नारायण, आप तो अभी से चिंतित दिखाई देने लगे देवेंद्र, अभी इसकी शिक्षा पूर्ण कहाँ हुई है? मैं कुछ संदेह नहीं देवर्षि। आपको तो ये ज्ञात ही है कि परशुराम ब्राह्मणों को ही अपना शिष्य बनाते हैं, और इस सत्य से भी आप भली भांति परिचित हैं कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, वो जन्म से ही सूर्य पुत्र है, क्षत्रिय है और संस्कार से सूर्य पुत्र है। देवर्षि, ये बात तो सभी जानते हैं, किंतु आचार्य परशुराम नहीं जानते हैं देवेंद्र। मैं समझ गया देवर्षि। समझ गए तो मैं चलता हूं। नारायण नारायण। वत्स कर्ण, अब तक जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी है उसके परीक्षण का समय आ गया है, जाओ अपने कौशल का प्रदर्शन करो। जो आज्ञा गुरुदेव।
अग्नि बाण का प्रदर्शन करो। जो आगे वत्स, अब मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सिखाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। ब्रह्मास्त्र के लिए यह मंत्र है, ओम। इस मंत्र का ध्यान करो। जी गुरुदेव। वत्स, अब इसका संधान करो। वत्स कर्ण, अब तुमने ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसका ज्ञान पृथ्वी पर गिने चुने लोगों के पास है। आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। आप ही के आशीर्वाद का परिणाम है। एक बात का सदैव स्मरण रखो। आज्ञा करें गुरुदेव। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मात्र एक बार ही हो सकता है, और जिस पर इसका प्रयोग हुआ वो तीनों लोगों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीं भी हो किसी के भी संरक्षण में जीवित नहीं बच सकता। यही इसकी विशेषता है। वत्सगण, मैं थक गया, आश्रम चलकर विश्राम करते। आप कुछ समय के लिए यहीं पर उस वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम क्यों नहीं करते? मुझे भी आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। चलो चलते हैं। वृषाली, वृषाली, सुकन्या, क्या बात है वृषाली? आज मेरा मन बहुत व्यथित है सुकन्या। कर्ण का स्मरण करके मेरा मन वेदना से भर उठता है। मुझे मेरे कर्ण से मिला दो सुकन्या। वृषाली, इस प्रकार अपने आप को कक्ष में बंद करके तुम्हें तुम्हारा कर्ण मिल जाएगा क्या? तो मैं क्या करूं सुकन्या? कहां जाऊं? कैसे मिलूं अपने कर्ण से? यदि तू मेरी पीड़ा समाप्त करना चाहती है तो मुझे मेरे कर्ण से मिला दे। अपने प्रेम पे भरोसा रखो वृषाली। सुकन्या, न जाने क्यों आज मेरा मन कर्ण को लेकर बहुत व्यथित है। एक भय सा प्रतीत हो रहा है। कहीं मेरा कर्ण किसी संकट में तो नहीं? नहीं, हे भगवान, मेरे कर्ण की रक्षा करना।